مسئله ای دخو انتظامی هست بودا الوه کی دخو ایرو بندرو افسر شایی نس کویتا بودا स्ट्राइक की तरफ तो पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं और पहली बात तो यह है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है मुतालबा सबसे बड़ा मुतालबा तो यह है कि भाई महंगाई को कंट्रोल किया जाए क्योंकि मौजूदा तनख्वाहों में जो है मज़दूर का गुजारा मुश्किल हो गया जो 15,000 या 20,000 का तनख्वाह लेता है इस महंगाई में जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दालों की आटे के घी की कद्दू की टमाटर की जो भी खाने पीने की अशियाँ हैं रोज़ ब रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है सबसे पहली बात तो यह है। अब महंगाई जो है हमारा मेन इशू है कि मौजूदा हुकूमत ने इस वादे के साथ कि हम गरीबों को हम महंगाई कम करेंगे हम गरीबों को रोज़गार देंगे और एक साल हो गया अभी रोज़गार का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी पिछले दिनों भर्तियाँ अनाउंस की थी नौकरियाँ अनाउंस की थी और लोगों के टेस्ट भी लिए थे और जो क्लास फोर्थ के लिए एक स्केल एक से लेकर चार स्केल तक की नौकरियां थी इन्होंने लोगों को भगाया एक मेरिट बनाया लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये शुनीद में आ रहे हैं कि जी हम कुरानदाजी करेंगे। कुरानदाजी पाकिस्तान के ना आईन में है ना किसी कानून में है और ये कुरानदाजी का कोई भर्तियाँ करने का या लोगों को नौकरियां देने का कुरानदाजी के ज़रिए ये पहला मौका है कि मौजूदा हुकूमत ये कर रही है और अभी तक लोगों को फैंटेसी में रखा हुआ है। फैंटेसी का मतलब यह है कि लोगों को ख्यालों में रखा हुआ है कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे फिर हम आपको 50 लाख घर देंगे और उसके साथ साथ जो ना अभी फिर कहते भी जा रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है ये हमसे नहीं होगा ये करोड़ नौकरियां और ये 50 लाख घर खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम कोई लेकिन जो काम मुश्किल थे वो काम आपने किए क्यों। अब एक जो 25,000 रुपये जो तनख्वाह लेता है बंदा महीने की उसका भी इनकम टैक्स कट रहा है मतलब ये है कि ये वाले सारी जो सूरत हाल है ये बनते बनते मेरे ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में हमने दिगर तंजीमों से भी पूरे पाकिस्तान में भी बात की है और हम अनकरीब पूरे पाकिस्तान में जो है महंगाई के ख़िलाफ़ बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान जो ज़ाया हो रहे हैं जिनको इन्होंने ख्यालात में रख के उनसे वोट लिए थे मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने नाजायज़ किया और फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल किया जाए और ये 10% जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं इन 10% तनख्वाहों से किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं मिला मुलाजमीन को और इस तरह से पेंशनरों को भी 10% मौजूदा जो महंगाई है इस महंगाई के अलावा से जो पेंशनर हैं उन पेंशनरों के लिए भी जो है एक मसला बन रहा है। हम समझते हैं कि महंगाई को फौरन कंट्रोल किया जाए और फिर हमारा मसला ये है कि कोई काम भी कोई केस भी कोई ट्रांसफ़र कोई प्रमोशन जो है वो बगैर पैसे के नहीं होती। समाज के अंदर पहले ये होता था कि लोग मेरिट देखते थे फिर ये होता था कि लोग सिफारिश करवा देते थे लेकिन अभी सिफारिश का भी पीरियड ख़त्म हो गया मेरिट का पीरियड ख़त्म हो गया अभी आपको एक भारी सिफारिश भी चाहिए और उसके साथ साथ पैसे भी चाहिए। किसी किस्म का भी कोई काम आपने करवाना हो बगैर पैसे के यहाँ पे ना भर्तियाँ हो सकती हैं ना ट्रांसफ़र हो सकती है ना प्रमोशन हो सकती है। हम इस मैदान में जब भी आपको मंगाना हुआ यहाँ
यहाँ से किसी टाइम छह छह ट्रेनें चलती थी। इनका इंजनों का वो पटड़ियों को इन इंजनों को जो मरम्मत मेहनत का यूनियन का जनरल सेक्रेटरी तो अपने ख्यालात का जज्बाती